प्रयागराज जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रयागराज में कानपुर की तर्ज पर जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर जमकर पथराव हुआ। नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। पुलिस की तमाम प्रयासों के बावजूद उपद्रव नारेबाजी के साथ पथराव करने लगे, छतों से भी पथराव हुआ, जिसके बाद RAF और PAC ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। लेकिन उपद्रवी सुनियोजित तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में पत्थरबाजी कर रहे हैं। पूरी घटना करेली थाना क्षेत्र के अटाला इलाके की है, जहां पुलिस ने एहतियातन बाहरी पुलिस बल को तैनात किया, लेकिन उपद्रवी पहले से ही तैयार करके आए थे। सैकड़ों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी जुमे की नमाज के बाद नारेबाजी करने लगे। उनकी मांग थी कि नूपुर शर्मा को फांसी दी जाए। DM और SSP ने मौके पर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। मौजूदा स्थिति है यह कि पत्थरबाजी रोक रोक कर हो रही है, उपद्रवी पुलिस फोर्स पर भारी पड़ रही है। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट। क्या है थाना खुल्दाबाद करेली, इनका बॉर्डर लगता है, आईडी नीचे था भाई। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। करीब 2 बजे का टाइम था, क्योंकि इन सभी के घर भी यहीं हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। DM साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पर। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे शामिल थे, उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया। सभी लोग वापस चले गए, लेकिन उसके बाद भी चूँकि काफ़ी बहुल इलाका है, एक विशेष समुदाय का यहाँ पर, वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। उनको लगातार पुलिस समझाती रही लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए, हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफ़ी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज़्यादा चोट नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, परंतु लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है कि कुछ शरारती तत्व दोबारा से गलियों में आकर के नारेबाजी या ईंट पत्थर ना फेंकने लगे। उसके लिए यहाँ फोर्स पूरा मुस्तैद है। आप देख रहे होंगे अभी पूरा रास्ता खाली करा लिया गया है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी संभावना हमेशा बनी हुई है कि गलियों